आपदा में ढूंढा अवसर, 200 रुपए शुल्क वसूल देख रहे मरीज। जिनको आदेशों का कराना था पालन, वही सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे धज्जियां। देवधर में पदस्थ बीएमओ एसएन पांडे अपने लापरवाही को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान भी बीएमओ की जमकर लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस पर जिला प्रशासन को समय रहते एक्शन लेने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण से जहां जिले से लेकर तहसील स्तर पर तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं देवधर बीएमओ एसएन पांडे इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए चाकघाट के एक निजी मेडिकल स्टोर की आड़ पर जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक चोरी छुपे मरीज को देखते हुए सामने आए हैं, जिसका बाकायदा 200 रुपए शुल्क भी वसूला जाता है। सूत्रों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बीएमओ द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को देखा जा रहा है, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ है। कुछ लोगों का आरोप है कि जिस प्रकार से बीएमओ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है, जिसका रिजल्ट भी सामने देखने को मिल रहा है। बता दें कि देवधर क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के केस में बढ़ोतरी हो रही है। इस महामारी में खंड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दायित्व का निर्वहन कर संक्रमण के रोकथाम सहित अन्य प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं इनके द्वारा स्वयं आपदा में अवसर ढूंढते हुए कमाई करने का जरिया अपना लिया गया है और अस्पतालों का कार्य भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि देवधर स्थित सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी बीएमओ एसएन पांडे का आए दिन सोशल मीडिया व समाचार के माध्यम से कभी अस्पतालों के अव्यवस्थाओं, अस्पताल से नदारद रहना, संक्रमित केसों के मॉनिटरिंग लापरवाही सहित विभिन्न प्रकार के आरोप लग रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन जिस तरह से सख्ती दिखा रही है, देवधर के बीएमओ इसके विपरीत दिख रहे हैं। वहीं इस संबंध में बीएमओ एसएन पांडे से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया था कि बुधवार से मरीजों को देखना बंद कर दिए हैं, इस विषय में कोई भी बयान नहीं देंगे। मामले पर जिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अंकुर यादव की खास रिपोर्ट।